स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। और चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ शेख चिल्ली का मकबरा, जो एक कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है। हालांकि कुरुक्षेत्र जाना जाता है महाभारत के युद्ध के लिए, गीता उपदेश के लिए, यहाँ की लड़ाई के लिए, लेकिन यहाँ के अंदर एक स्थित है जो शेख चिल्ली का मकबरा है। आपने नाम तो सुना ही होगा, शेख चिल्ली का, उन्हीं का मकबरा बनाया गया है इसके अंदर। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के सारे पॉइंट्स। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पूरे का पूरा मकबरा दिखाई दे रहा है, यही है शेख चिल्ली का मकबरा, जो जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। शेख चिल्ली का नाम सुनते ही हमारे मन में उस हास्य कवि की याद आती है, जिनकी कहानियाँ और चुटकुले बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और हम बचपन में उनको बहुत ज़्यादा सुना करते थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुआ करते थे। दरअसल ये वो वाले शेख चिल्ली नहीं है, ये जो है इनका नाम था ओरिजिनल में अब्दुल रहीम उर्फ शेख चिल्ली था, जो कि ईरानी, एक ईरान के एक सूफी संत हुआ करते थे। और उनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो लगातार घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और उनकी इसी घुमक्कड़ी की आदत ने उनको इंडिया के अंदर लाया, भारत के अंदर लाया। और ऐसा कहा जाता है कि शेख चिल्ली को दिन में सपने देखने की बहुत ज़्यादा आदत थी, दिन को वो सपने देखा करते थे। और उनकी इसी आदत ने उनको एक कॉमिक करेक्टर का रूप दिया। कुछ इस तरीके से देख सकते हो इनका मकबरा आज यहाँ बनाया गया। चिल्ली जब इंडिया के अंदर आए, भारत के अंदर आए, तो उन्होंने जो यहाँ के पांचवें मुगल बादशाह थे शाहजहाँ, उनके बेटे दारा सिकोह के उस टाइम के एक आध्यात्मिक टीचर हुआ करते थे, उनके गुरु हुआ करते थे। और जो दारा सिकोह थे, उनको इतना ज़्यादा लगाव था शेख चिल्ली से कि उन्होंने उन्हीं के लिए यहाँ पे एक इस विशाल भव्य मकबरे का निर्माण करवाया, इस हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर में, जो आज हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ का पूरे का पूरा नज़ारा। और ऐसा भी कहा जाता है कि दारा सिकोह यहाँ महीनों तक अपने आध्यात्मिक टीचर शेख चिल्ली के साथ इसी जगह पर रहा करते थे, और उन्हीं के लिए इस विशाल मकबरे का निर्माण करवाया। और फिर 1650 के ड्यूरेशन मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह ने यहाँ पे इस विशाल भव्य मकबरे का निर्माण करवाया अपने टीचर के लिए, जिसे आज शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से जाना जाता है यहाँ हरियाणा के अंदर में। और कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, और इसी के अंदर एक पार्क बनाया गया है, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पे पुरातत्व विभाग की टीम ने यहाँ पे, क्योंकि ये एक महाभारत का स्थल कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे खुदाई करी थी और उनको कुछ अवशेष मिले थे। इधर और को दिख जाएगा, ये हर्षवर्धन का टीला था, यहाँ पर भी खुदाई की थी और उसके जो अवशेष मिले थे इस म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। अभी मैं आपको नीचे चल के वो म्यूज़ियम दिखाऊँगा, उससे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो उनकी ऊपर आर्टिफिशियल कब्र बनाई यही है, वो दिखाता हूँ। फिर देन आपको मैं नीचे चल के वो म्यूज़ियम दिखाऊंगा और उनकी जो कब्र नीचे वाली बनाई गई वो दिखाऊंगा। और इसके अंदर देख सकते हैं, ये इस एंट्रेंस गेट के अंदर वाला नज़ारा, यहाँ पे इसका म्यूज़ियम बनाया गया है। और इधर कुछ आप देखेंगे, इसके ऊपर जो छत वाले हिस्से पर बनाए गए हैं, ये जो हैं यहाँ पर 9 मेहराब बनाए गए हैं, और इसके अंदर 12 छतरियाँ बनाई हैं। इस वाले गुम्बद में, जो आपको ये गुम्बद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है शेख चिल्ली की एक आर्टिफिशियल कब्र बनाई हुई, और जो मेन कब्र है वो इसके नीचे बनाई गई है। और जो मुगलों के शासनकाल में कब्र बनाई जाती थी, वो जनरली क्या होता था कि एक आर्टिफिशियल ऊपर बनाई जाती थी, और जो मेन वाली होती है वो गुंबद के नीचे बनाई जाती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनकी वाइफ और शेख चिल्ली की कब्र देखने को मिल जाएगी, जो आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, यही है। और मेन वाली कब्र नीचे, अभी मैं नीचे चल के दिखाऊँगा। और कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है। और इधर आपको
जो ये गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे एक नीचे गार्डन है जो यहाँ की है, इस मकबरे के अंदर बनाया गया है। और जैसे ही आप इधर आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हर्षवर्धन का एक टीला हुआ करता था। और इसके आगे जो पार्क बनाया गया, इसे हर्षवर्धन पार्क बोला जाता है। और ये यहाँ पे हर्षवर्धन का टीला हुआ करता था, जो आज एकमात्र अवशेष रह गया। कुछ इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उनका सराय और उनका हस्तबल हुआ करता था। वो जो बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये पूरा यहाँ हर्षवर्धन के पार्क है और यहीं पे उनका टीला हुआ करता था। और मुगल के शासनकाल में जो आप देखेंगे, जितनी भी इमारतें बनाएंगी, जितनी भी मकबरे बनाएंगी, वो जनरली क्या लाल बलुए पत्थर का यूज़ करके बनाया जाता था। और लाल बलुए पत्थर के बाद से जो उन्होंने कलर पसंद किया वो था वाइट मार्बल। आप देख सकते हो यहाँ वाइट संगमरमर के बाउंड्री वॉल्स बनाए गए हैं इस मकबरे के ऊपर से। और यहाँ के जो डिज़ाइन बनाई गई, छतों की फर्श बनाई गई, वो पतली लाखौरी ईंटों से बनाई गई है, जिसे गांव की भाषा में ककैया ईंट बोला जाता है। इधर आपको देखने को मिल जाएगा हर्षवर्धन की जो जेल हुआ करती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे उनकी जेल हुआ करती थी। जो कैदी हुआ करते थे उस टाइम, जिनको सजा दी जाती थी, इसी जेल के अंदर तहखाने के अंदर बंद कर दिया जाता था, जो आज इसका अवशेष हमें देखने को मिलता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इसका निर्माण भूतों करवाया था, जबकि एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं है। ये हर्षवर्धन की जेल हुआ करती थी, उनका टीला हुआ करता था, पूरा पार्क वाला एरिया है। और यहाँ पे उनकी जेल हुआ करती थी, जहाँ कैदियों को उसके अंदर डाला जाता था। कुछ इस तरीके से आज इसका व्यू आज हमारे समक्ष देखने को मिल रहा, जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। और चलिए चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो और उनकी नीचे वाली कब्र बनेगी और वो म्यूजियम। इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी कब्र बनाई गई है शेख चिल्ली की, कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और ये बाहर है एक गैलरी है, इसी गैलरी के अंदर आने से कुछ दूरी पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जो इनकी कब्र बनाई है। यहाँ पे टोटल 5 कब्रें हैं, जो एक शेख चिल्ली की है और किन की है इसका पता कोई जिक्र नहीं है। और एक ऊपर बनाई गई है, जो 4 आपको देखने को मिल जाएगी, 4 यहाँ और एक ऊपर। कुछ यहाँ से देख सकते हो, ये शेख चिल्ली की कब्र बनाई गई है यहाँ पे, और एक से चिल्ली की है और बाकी किन की है इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसका मेन गुंबद है और ऊपर वाले में इनकी आर्टिफिशियल कब्र बनाई गई है। कुछ यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से अंधेरा है और लाइटिंग कोई है नहीं, यही है इनकी कब्र। आप एक बार इस तरीके से कुछ देख सकते हो, और ये गैलरी है। और चलिए चलते हैं बाहर, और जो शेख चिल्ली की कब्र मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बनाई गई है और उनके साथ में कब्र बनाई गई है, लेकिन वो किन की है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके म्यूज़ियम के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का म्यूज़ियम। और मैंने जूते उतार दिए थे, क्योंकि सम्मान करना चाहिए कोई भी हो, और ऐसे जूते पहन के जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे जूते अपने निकाल दिए थे और मैं सोच पहनता हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ म्यूज़ियम में। और ये यह है यहाँ का म्यूज़ियम, कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक भगवानपुरा है, यहाँ पे इसकी खुदाई की गई थी, पुरातत्व के विभाग की टीम ने यहाँ पे खुदाई करी थी। तो उनके जो अवशेष मिले थे और हर्षवर्धन टीले की जो खुदाई करी थी वहाँ पे, और भगवानपुरा में जो खुदाई करी थी, जो अवशेष मिले हैं आज यहाँ इनको रखा गया है इस वाले म्यूजियम में। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये भगवानपुरा का है जहाँ पर वो खुदाई करी गई थी कुछ इस तरीके से। और यहाँ देख सकते हैं ये अवशेष मिले थे उनको, यहाँ पर आज इसको रखा गया है इस म्यूज़ियम के अंदर, कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और इधर भी आप देख सकते हैं ये रखा गया है, और ये कुरुक्षेत्र का रथ है, स्त्री शीर्ष भी मिला था यहाँ पे, वध स्थल कवच भी मिला था, दीवार लटकन उभरे भैरव मंगल यंत्र, नक्काशीदार मुकुट युक्त मुखौटा भी मिला था इसके अंदर, और ये सारे अवशेष मिले थे वहाँ पे खुदाई करने के दौरान। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देवता लक्ष्मी के साथ चबूतरे आसीन पे जो भी वहाँ पे अवशेष मिले थे, और ये अस्तर विन्यास से देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी मिले थे मटकी कलश गहरा